जय माँ काली। भाइयों बहनों, कौन नहीं चाहता कि लक्ष्मी उनके यहाँ स्थायी रूप से टिके। आज ही मेरे पास कुछ लोग आए थे जो बिल्कुल लाखों लाख रुपए के कर्ज में डूबे, और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक समय था जब लाखों रुपए महीने मैं कमाता था। आज स्थिति ये है कि हर रोज मेरे घर में लोग कर्ज मांगने आ जाते। तो ऐसा क्यों है? कमाया तो आपने बहुत, आराम से जीवन दिया, लेकिन लक्ष्मी आकर आपके यहाँ टिकी क्यों नहीं? प्रश्न तो ये है कि लक्ष्मी जी जब आए तो आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें। अगर लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास नहीं करते हैं तो फिर तो आप परेशानियों में पड़ेंगे। एक बार लक्ष्मी जी और पार्वती जी में संवाद हो रहा था, तो इस चर्चा में आया। पार्वती जी ने कहा कि आप तो हर घर जाते हो, हर घर में रहते हो, घर घर को देखा है आपने, लेकिन आप एक जगह नहीं रहते। लक्ष्मी जी बोली कि हाँ, हम मैं एक जगह रह नहीं पाती हूँ क्योंकि लोग मुझे रख नहीं पाते, इसलिए तो कहा जाता है लक्ष्मी चंचला। और अगर आप लक्ष्मी जी को स्थायी रूप से रखना चाहते हैं कि वो आपके यहाँ आए तो शीघ्र ना जाए, तो कुछ चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए और जरूर करनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो लक्ष्मी आपके यहाँ नहीं टिकती है। बड़े से बड़े लोगों को आपने देखा है कि कभी ना कभी वो परेशानी में पड़ जाते हैं, राजा महाराजा सारे लोग। तो उसके लिए करें क्या? कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान देना होगा। अगर इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें तो आपके घर में लक्ष्मी जी एक तो आने का स्रोत बनता है, और आने का जब स्रोत बन जाता है तब जाने का स्रोत सिद्ध बल्कि बनेगा नहीं। आवश्यक खर्च होंगे और बाकी संचित संपत्ति भी आपके पास। अगर आप ऐसा करते हैं तो लक्ष्मी जी आपके घर बैठी रहेंगी, जाएंगी नहीं। तो इसके लिए कुछ प्रकार के आपके कार्य करने होंगे, कुछ बातों का ध्यान। पहला ध्यान तो आपको अपने किचन पर, अपने रसोई पर देना। अगर आप अपने रसोई घर पर पूरी तरह से ध्यान देंगे तब तो आपके घर में लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करेंगे। अक्सर वीडियो में मैं बतलाते रहती हूँ कि रसोई में आप क्या क्या बदलाव करेंगे, क्या क्या करेंगे जिससे घर में धन वैभव बना रहे। आज फिर से आपको हम कुछ बातें बतलाते हैं। पहला तो यह कि आप अपने किचन को गंदा ना रखें। रात्रि में जब आप सोने जा रहे हो तो किचन की जितना हो सके थोड़ी साफ सफाई करने के बाद ही सोने। किचन का स्लैब जो होता है जहाँ चूल्हा रखते हैं, चूल्हा अन्नपूर्णा माना जाता है। चूल्हा को हम लोग प्रणाम करते हैं। हमारी संस्कृति में जब कुछ पकवान बनने होते हैं तो चूल्हे की पूजा होती है। तो आपका चूल्हा तो हमेशा साफ सुथरा। एक समय था जब चूल्हे को गोबर से लिपा जाता। आज गैस का चूल्हा है, बिजली का चूल्हा है, उसे तो आप नहीं कर सकते, कम से कम उसकी सफाई तो कर सकते हैं। तो हमेशा चूल्हे को साफ, जब भी आपने खाना बना लिया उसे थोड़ा साफ, और रात्रि में सोने जाने से पहले चूल्हे को जरूर साफ, पहली बात। दूसरा उपाय ये है कि आप अपने किचन में एक जग में, एक लोटे में, या किसी भी एक पात्र में, एक कसली हो, एक कढ़ाई हो, जो भी आपके पास हो, अगर बड़े बड़ा बर्तन नहीं है तो एक कम से कम एक गिलास ही तो जरूर होगा। एक गिलास पानी भर कर किचन में जरूर रखें। किचन को बिना पानी का कभी ना रहने दें। एक गिलास में, एक तस्ली में, एक जग में फुल पानी भर दें और उसे जरूर रखें, ढक कर रखें। और नेक्स्ट उपाय क्या है कि जब आप भोजन पका लेते हैं तो थोड़ा सा अंश देवता के लिए रखें,
आरंभ में और अंत में थोड़ा सा खाना जरूर बचा है। अगर आप वह रोटी कुत्ते को दे सकते हैं तो दे, नहीं तो थोड़ा खाना जरूर बच जाए, उसे चिड़िया वगैरह को दे दे, खिला दे, कमरे में डाल दे, कचरे डाल दे। इसे प्राकृतिक रूप से जो चिड़िया वगैरह है वो भी खा लेंगे और आपके घर लक्ष्मी टिकने का उपाय भी हो जाएगा। और नेक्स्ट उपाय है कि आप अपने घर में अतिथि का सत्कार जरूर करें। भाई आजकल तो अनजान लोग आ जाएंगे, हो सकता है कुछ खतरा करने आपके घर में आ जाओ। अभी ही एक व्यक्ति, एक आदमी सुना मैंने, उसके घर में पूछा टीवी देखने, आपके उसके घर कुछ लोग पीछे से आ गए, जो उसे उन्होंने उसे प्रताड़ित किया गया चोरी की। तो यह मैं नहीं कहती कि किसी अनजान लोगों का आप सत्कार कर ले, बाहर से कर ले, लेकिन अगर आपके अपने आते हैं तो उनका मन दुखी कभी ना करे, अच्छे से प्रेम से। अगर एक कप चाय होता है वही, नहीं तो एक मिक्सर, एक बिस्किट, कुछ भी उनको दे, जरूर दे, ताकि उनका मन प्रसन्न हो जाए, आपके प्रति एक श्रद्धा, एक प्यार उत्पन्न हो जाए। नेक्स्ट उपाय और भी है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं भाई बहनों, इसे जरूर आप करेंगे। इसे करने से आप खुद देखेंगे कि घर में किस तरह से लक्ष्मी जी आती है और लक्ष्मी टिकी रहती है, आप उनको संभाल के रख लेते हैं, हर परिस्थिति में वो आपके घर में आएंगे और टिकी रहेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप बहुत कमाएंगे लेकिन उसे टिका नहीं, उसे उन्हें आप निकाल ही देंगे। जहाँ लक्ष्मी जी का इस तरह के कार्य होते हैं तो लक्ष्मी जी खुद को निराधार महसूस करने लगती है और फिर वह नहीं। अगला उपाय ये है, तो कितना मैंने बता दिया, पहला बताया कि किचन में एक पात्र हो जो पानी से भरा हुआ हो, किचन की सफाई हो, उसके बाद आप सिंक में जूठे बर्तन कभी भी ना छोड़। अगर आपके घर में दूसरों से काम करवाते हैं थोड़ा सा पानी डालते हैं जरूर उसको साफ करते, बिल्कुल उसमें जूठे इस तरह से नहीं पड़े हुए तो लगे वहां जाने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो। और अतिथि का सत्कार जरूर। पांचवा उपाय है कि जब आप पूजा करते हो, स्त्री हो या पुरुष हो, तो अपने सर को जरूर एक रुमाल से, दुपट्टे से, साड़ी से, किसी भी चीज से सर को ढक कर आप पूजन करें। क्यों सर को ढके, इसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आप इतना इतना जरूर विश्वास करें कि सर को ढक कर की पूजन करें। अगला उपाय है कि अपने घर में एक तुलसी मैया को जरूर, तुलसी मैया आपके घर में जरूर। जिस घर में तुलसी पौधे होते हैं और पनपने लगते हैं उस घर का विकास अपने आप होने लगता है, उस घर के विकास को कोई रोक नहीं। तो अगर आप अपना विकास चाहते हैं तो तुलसी जी को अपने घर में जरूर रखें और नित्य प्रति उनकी सेवा करें, उनमें जल डालें और संध्या समय एक दीपक, एक अगरबत्ती, कुछ भी हो वहां पर जलाकर और प्रणाम। तुलसी जी को जब आप जल दे रहे हो तो ये ध्यान रहे कि वह जल छलक कर आपके पैरों पे ना हो। कुछ लोग होते हैं हड़बड़ी में आए, जल दे दिए, एकदम धड़ाधड़ जल दिए जा रहे, जल छलक रहा है आपके पाँव पे आ रहा है, आपके शरीर पे आ रहा है, तो यह गलत तरीका है, ऐसा ना करें। अगर ऐसा भी करेंगे तो यह तुलसी मैया का अपमान, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इतनी बातों को मानेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी जब आती है तो आपके घर में बिल्कुल हंसते हुए बिहसते हुए आपके घर में निवास करेगी, जाने का रास्ता नहीं ढूंढेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो किसी ना किसी रूप में जाने का रास्ता ढूंढ लेती है, आपका बिजनेस चौपट हो जाता है, आपके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप कोई एजेंट है, LIC वगैरह का कार्य करते हैं, आपको नहीं मिलता काम, आप बीमार पड़ जाते हैं, सब ठीक है, आप बीमार पड़ जाते हैं, जो कमाते हैं उसको पर व्यय कर देते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे
तो आपको पूछना पूछना नहीं पड़ेगा कि हमारे घर लक्ष्मी कैसे रहती है, आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके घर में लक्ष्मी की नारी है, छुपी हुई है आपके यहाँ और कभी भी घर की आपको कभी नहीं रहेगी। हमारे सनातन में हमारे धर्म में ऐसा कहा गया है और आपको हर भी क्या, इसमें तो कोई व्यय ही नहीं है, ज्यादा मेहनत भी नहीं, ज्यादा परिश्रम भी नहीं, इतना आप करके देखिए, एक बार मेरी बात मान कर देंगे और जय लक्ष्मी मैया एक बार जरूर करूँ पक्ष में। और अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी, अगर आपको लग रहा है कि जानकारी सही है तो उसे शेयर कर देंगे ताकि दूसरे भी इसे लाभ उठा सकें। और जो पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर।